आपका पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए 18 जुलाई को, बी 20 जुलाई को, सी 22 जुलाई को, डी 23 जुलाई को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जुलाई को। आपका दूसरा सवाल है, हाल ही में किसे PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपका ऑप्शन है ए दीपा गोयल को, बी संजीव कृष्णा को, सी अमित त्यागी को, डी अमित शाह को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संजीव कृष्णा को। आपका तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका चौथा सवाल है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ है, वे कहाँ की थी? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश की, बी गोवा की, सी उड़ीसा की, डी राजस्थान की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। आपका पांचवा सवाल है, हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन सबसे आगे रहे हैं? आपका ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी आलिया भट्ट, सी रणवीर कपूर, डी सलमान खान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। आपका छठा सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां एक नए सैन्य अभ्यास को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन है ए दमन एंड दीव में, बी लक्षद्वीप में, सी चंडीगढ़ में, डी गुजरात में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप में। आपका सातवां सवाल है, हाल ही में DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया देश, बी जापान देश, सी भारत देश, डी पाकिस्तान देश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जापान देश। आपका आठवां सवाल है, हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी वाराणसी, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। आपका नौवां सवाल है, हाल ही में कौन MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है ए हार्दिक पांड्या, बी नीरज चोपड़ा, सी शिखर धवन, डी अक्षय कुमार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिखर धवन। आपका दसवां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रिजू ने कहां लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी जयपुर में, सी चेन्नई में, डी बेंगलोर में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। आपका ग्यारहवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी असम, सी गोवा, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असम। आपका बारहवां सवाल है, हाल ही में कहां के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं?
आपका ऑप्शन है ए लीबिया के, बी अल्जीरिया के, सी दक्षिण कोरिया के, डी नामीबिया के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया के। आपका 13वां सवाल है, हाल ही में कहां हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी नोएडा में, सी कोलकाता में, डी महाराष्ट्र में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। आपका 14वां सवाल है, हाल ही में किसे IFFM 2024 में भारतीय कला और संस्कृति के लिए राजदूत की उपाधि सम्मानित किया जाएगा? ए कार्तिक आर्यन को, बी रामचरण को, सी रणवीर कपूर को, डी अल्लू अर्जुन को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामचरण को। आपका 15वां सवाल है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मुरादाबाद, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और भी डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।